हेलो एंड वेलकम। ये वीडियो मैं क्लास ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं आईएससी वाले उनके लिए बना रहा हूं और ये बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहा हूं। काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मार्किंग स्कीम कैसी होगी और मार्किंग क्राइटेरिया कैसा होगा, कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको याद होगा जो मैंने सबसे पहले 7:30 बजे जिस दिन आईएससी का जो सीक्रेट या यू कैन से कॉन्फिडेंशियल लेटर आया था आईएससी का स्कूलों के पास में, उस दिन 30th को सुबह 7:30 बज के 15 मिनट के ऊपर मैंने अपलोड करा था और उसके बाद में स्टडी विद सुधीर वाड़े सर ने मतलब वो करा था, तो और उसके बाद वीडियो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर डाला था। तो वो मेरा तो अभी भी मैं सबसे पहले आपको ये मार्किंग क्राइटेरिया बता रहा हूं कि किस तरह से आईएससी के बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। यहां पे मैं क्लियर कर दूं, ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और जो बार बार मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तो प्लीज वो मत देखें, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें दो फार्मूले आपके लागू होंगे। सबसे पहला फार्मूला उन सब्जेक्ट में लागू होगा जो 80 मार्क्स के हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे इंग्लिश है, मैथ है, ये 80 मार्क्स के हैं, पेपर होंगे और 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट से मिलेंगे। दूसरा आपका प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है जिनके अंदर 70-30 का रेशियो रहता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है ट्वेल्थ क्लास के अंदर। तो अभी मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल वाले मार्क्स का बता रहा हूं। जैसे आपका फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स के पेपर के अंदर आप कैसे मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आईएससी फिजिक्स के अंदर मार्क्स कैलकुलेट करने का फार्मूला ये देखिए, मैं साथ में आपको यहां पे दिखा भी रहा हूं, तो उसके हिसाब से ये फार्मूला ऐड करके आप अपने मार्क्स वहां पे ऐड करिए और उसके हिसाब से करिए। यहां पे जो मैंने आपको दिया हुआ है तो वो फार्मूले के हिसाब से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां तरीका बता दूं क्या करेंगे। सबसे पहले आप आउट ऑफ 70 मार्क्स जो आपके आए हैं, आपको मालूम है 70 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 70 जो भी मार्क्स आए थे 11th क्लास में वो आप चेक कर लीजिए, और आउट ऑफ 70 जो आपके मार्क्स आए हैं 12th क्लास में वो आप यहां पे रख लीजिए। दोनों आउट ऑफ 70, 11th आउट ऑफ 70, 12th दोनों को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय 2 करिए, तो एवरेज आ जाएगा आउट ऑफ 70 जो अब आपके पास में होगा। ठीक है, जैसे 45 आए और अगली बार आपके 65 आए, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ करके आपके जैसे आपके हो गए लगभग 110 हो गए, तो 55 एवरेज आ जाएगी। ये मैंने एवरेज जो यहाँ पे दिखी हुई है वो अलग है, वो आप देख लीजिए। अब आपका क्या, अगर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 11th की आउट ऑफ 70 कितने मार्क्स आपके आए थे एवरेज, 12th की आउट ऑफ 70 कितने मार्क्स एवरेज आए थे, दोनों को जोड़ लीजिए, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आउट ऑफ 70 ओवरऑल एवरेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 70 से आपके मार्क्स। अब इसके अंदर नीचे फिर प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स आप जोड़ दीजिए। 30 के अंदर एक नंबर कम होते हैं, ज्यादातर 28 प्लस मार्क्स ही मिलते हैं, तो मैं यहां पूरे 30 ही जोड़ रहा हूं। वो आप अपने हिसाब से, एक दो नंबर कम हो सकते हैं, तो अगर थोड़े से आप वीक बच्चे नंबर कम है तो आप दो नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन 30 में आपको ओवरऑल एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो 30 मार्क्स यहां पे जोड़ दीजिए जो आपके आउट ऑफ 70 मार्क्स आए। मान लीजिए 55 मार्क्स आपके आए या जो भी आए, तो उसके अंदर आप जब 30 जोड़ेंगे तो वो 30 जोड़ के आउट ऑफ 100 आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब वो फार्मूला मैंने दिया हुआ है, उस हिसाब से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आउट ऑफ 100 जो मार्क्स होंगे उसके अंदर मान लीजिए आपके 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो गए आपके जोड़ने के बाद में प्रैक्टिकल वाले 30 मार्क्स। अब 30 मार्क्स प्रैक्टिकल वाले जोड़ने के बाद में आउट ऑफ 100 आपके 75 हुए, आपने लॉस करे 25 आउट ऑफ 100, मतलब 75 आ गए, 25 आपके कट गए। तो यही जो 25 है, मॉडरेशन इसी के ऊपर लगता है, जितना आपने लॉस करा उसका 40% आपको लगभग मिलता है, कई बार 50 भी हो सकता है या 30 भी हो सकता है, लेकिन 40% एवरेज मिलता है। तो आपने 25% लॉस करा 100 में से, तो 40% ऑफ 25 इज इक्वल टू 10, तो 10 मार्क्स यहां पे आपको मॉडरेशन का फायदा मिला, मतलब 75 आपने खुद से ले लिए थे और 10 मार्क्स आपको मॉडरेशन के मिल गए, 85 आउट ऑफ 100 आपका टोटल स्कोर बनेगा। तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल वाला। इसी तरह से ये फार्मूला सबके अंदर मार्क्स लगा करके आप उसको निकाल सकते हो। अब दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं आउट ऑफ 80 वाले सब्जेक्ट के अंदर, सेम इसी तरह से है। उसके अंदर जैसे यहां पे 70 में से हम लोगों ने मार्क्स निकाले थे, वहां पे आप 11th के मार्क्स आउट ऑफ 80 प्लस 12th के मार्क्स आउट ऑफ 80 इक्वल टू एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 80 11th और 12th के, तो जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद में आउट ऑफ 80 आपको मार्क्स मिल गए, अब आउट ऑफ 80 मार्क्स मिल गए उसके अंदर आपने
20 मार्क्स जोड़ लिए प्रोजेक्ट के, वो 20 में वही जैसे एक दो नंबर कम हो सकता है, ज्यादातर 20 ही मार्क्स मिलते हैं, वो उसके अंदर आउट ऑफ 80 जो भी मार्क्स आपके आए एड 20 इन इट। जैसे आपके 65 मार्क्स आ गए इस फार्मूले में, 65 प्लस 20 आपके जुड़ गए 85 आपके आउट ऑफ 100 हो गए। यहाँ पे 85 आउट ऑफ 100 आपने खुद अपना स्कोर किया इस एग्जांपल के हिसाब से। अब क्या करेंगे, मॉडरेशन यहां पे लगाएंगे। तो मॉडरेशन में फिर वही आपको तरीका करना है, आपने लॉस कितना करा, 15 मार्क्स का लॉस करा, 15 का 40% कितना होगा, 6 मार्क्स होगा, 15 का 40% 6 मार्क्स होगा, तो आपको 6 मार्क्स मॉडरेशन का फायदा यहां पे आपको मिल गया। तो 85 आपके खुद आए थे, 6 मार्क्स आपके मॉडरेशन के हो गए, टोटल आपके हो गए 91 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इस तरह से 80 वाले में से आप कलेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और पहले जो फार्मूला बताया था उसमें प्रैक्टिकल वाले जो 70 मार्क्स के पेपर होते हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने सारे सब्जेक्टों को जो भी आपके मार्क्स हैं उनके हिसाब से इस फार्मूले से सारे सब्जेक्ट को मार्क्स अलग अलग आप कैलकुलेट करके अपना टोटल यहाँ पे निकाल सकते हो। तो दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड फार्मूला बाय आईएससी। तो 10th के अंदर भी मैंने आपको बताया है और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सबसे ज्यादा मतलब ये है, और लगभग मैं आप ये आपको बता रहा हूँ जो अभी मार्क्स मतलब जो मैंने आपको बताया इस फार्मूले से जो मार्क्स आएंगे लगभग उसी जितने मार्क्स आपको आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, एक आध मार्क्स उससे ऊपर हो सकता है। तो प्लस माइनस 2 की मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि प्लस माइनस 2% आपका हो सकता है, लेकिन ज्यादा इससे फर्क नहीं होगा। तो दिस वाज द फार्मूला फॉर आईएससी मार्क्स कैलकुलेशन। बाय दैट फार्मूला यू कैन कैलकुलेट योर मार्क्स, और मेरे मैसेज मत करिएगा, आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि सब बच्चों को मैं कैलकुलेट करके आपको बता पाऊं। तो ये फार्मूले दोनों आपको लिखे हुए भी साथ में है और मैंने आपको बता भी दिया कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सो मच, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो के अंदर फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया।